जो रमेश केश वाला एके थगेश एंड वी आर बैक पायल दीदी के जोन में। देखो ये जो पायल है पैर का बहुत बज रहा है इंटरनेट पे। नमस्कार दोस्तों, इतना बज रहा है कि इसके व्यूज देख के बड़े बड़े क्रिएटर्स भी ठंडे पड़ गए। जैसे पोकेमोन विकसित होते आपको पता होगा, मुंदरी बनाई फिरे ते विचनाक जड़वाई फिरे, वैसे ही पायल जोन विकसित हो रही है और इसने इतना भयानक रूप ले लिया अभी कि अब ऐसे वीडियोस बना रही है। सौरव जोशी इज नो मोर। हाँ दीदी, आपका कंटेंट देख के सौरव जोशी क्या कोई भी गुजर जाए? हाँ, जो गुजरा हुआ आदमी होगा वो भी मर के जिंदा हो जाएगा, आपका वीडियो बंद करेगा फिर वापस मर जाएगा। यार आप शूट का लोकेशन देखो। बोले ये एक आखिरी काम रह गया था पृथ्वी पे। म्यूजिक वीडियो विद सौरव जोशी व्लॉग्स। यहाँ सौरव का मेकअप हो रहा है, उन्हें जरूरत नहीं है मेकअप की, बट स्टिल थोड़ा बहुत टचअप जरूरी है। अच्छा पायल ने बता दिया कि सौरव का मेकअप चल रहा है, मुझे तो लगा तुम्हारे वीडियो से परेशान होकर जोकर वाला मेकअप कर रहा है, विलन बनेगा अभी वो दुनिया का। बोलने लग गए कि भाई तुम झूठ बोल रही हो, तुम हमेशा झूठी वीडियो बनाती हो, तुम्हारा कोई भी सॉन्ग नहीं आ रहा है सौरव के साथ। तो गाइज ऐसे लोगों से सिर्फ मैं एक ही सवाल पूछना चाहूंगी कि आप लोग मुझे ये बता दो कि मुझे झूठ बोलकर क्या मिलेगा। नहीं नहीं, मैं इधर पायल जोन की बात से अग्री करता हूँ, बिचारी को क्या ही मिल जाएगा लोगों से झूठ बोलकर। वो जब बोल रही है कि सौरव जोशी के उसका गाना आ रहा है तो आ रहा होगा ना। बात तो सही है। सपने में दुनिया भर के माँ बाप अपने बच्चों को बोलते होंगे बड़े सपने देखो, पर पायल के माँ बाप बोलते ही नहीं होंगे चुप हो जा सातवीं फेल। भी सोचते होंगे सपने में इतनी खौफनाक चीजें देखती है, असल में मालूम पड़ गया समाज में इज्जत क्या रहेगी। तुम्हारे हिस्से की जमीन और जायदाद जहाँ तक सौरव जोशी की बात है, उनके बारे में मैं कभी कोई फेक वीडियो नहीं बना सकती हूँ क्योंकि मैं उनकी खुद भी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं उनको अपना आइडियल मानती हूँ। ए पायल दीदी, आइडल होता है आइडियल नहीं। बहन ने इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन में सौरव के स्ट्रगल को बेलाबंदी बोल दिया, गलती से मिस्टेक हो गया। यस एंड पायल जोन कभी झूठी वीडियोस नहीं बना सकती। तो कॉफी पियेंगे गाइस। यहाँ पे पीयूष कुछ खा रहा है अपनी चीजें जो कि मेरे को भी बहुत पसंद है खाने में। एंड कुछ अपनी चीजें खा रहा है, बता के तो जाओ क्या खा रहा है। अभी मेरे को इधर रात को नींद नहीं आएगा सोच के, वो क्या गुटका बिटका खा रहा था, क्या खा रहा था पीयूष। मुझे ऐसा बिल्कुल लगा ही नहीं कि मैं किसी इतने बड़े क्रिएटर के साथ कोई म्यूजिक वीडियो कर रही हूँ जिसके ऊपर पास्ट में मैंने वीडियोस बनाई है। ये बात सही बोली पायल दीदी ने, लग नहीं रहा है कि वो इतने बड़े क्रिएटर के साथ वीडियो शूट कर रही है। हमको भी नहीं लग रहा है, किसी को नहीं लग रहा है। मैं एक बार के लिए मान लूं कि धूम 4 के विलन के लिए KRK को कास्ट कर रहे हैं, लेकिन पायल जो म्यूजिक वीडियो कर रही है। इतना ही नहीं, पायल जोन के मीटअप वगैरह भी होते हैं। एक रोस्ट पायल जोन के ऊपर है। तो यार देखो, पायल जोन के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनी है, पायल जोन ने भी खूब। तो यार देखो, अच्छा पायल जोन मास्क पहन के घूम रही है, गुड गुड। मैं भी अगर पायल जोन जैसा कंटेंट बनाता ना, मास्क पहन के ही घूमता, मुंह नहीं दिखाता दुनिया को। पता नहीं भाई कौन से यूट्यूबर का फैन पीछे भागने लग जाए मारने। गुड गुड पायल दीदी। एक तो तुम लोग को मालूम है ये क्या करती है, वीडियो बना के व्यूज लेके फिर वो वीडियो क्रॉप कर देती है ताकि कोई स्ट्राइक ना मारे। मेरे से भोले वाले रोस्टर 2-3 बार पूरा वीडियो शूट करके एडिट करने बैठते तो इसे वीडियो क्रॉप कर दी होती है। अभी आपको लग रहा होगा कि पायल जोन की लाइफ ऑल सनशाइन एंड रेनबोज है, दुख नहीं है पायल दीदी की लाइफ में, लेकिन दुख है, मेरे घर पे चोरी हो गई। गाइज ये हमारे घर की हालत आप देख लीजिए, कोई भी चीज उसकी जगह पर नहीं है। ये मेरा फोन गाइज, जिस फोन से मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, और एक और ये फोन है, पिछले ये फोन बच गया, अदरवाइज ये भी चला जाता। चोर के घर में चोरी, सबके सब चोर है यार। मतलब चोर ने पूरे घर वालों का फोन चुरा लिया। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा फोन ना बनेगा पायल जोन का कंटेंट। स्मार्ट चोर है। देखो जो भी चोर है, आप दुनिया के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तुम बहुत मस्त काम करते हो मकसूद भाई। गुड गुड गुड। क्योंकि मेरी बहन का फोन चोरी हो चुका है। हेलो गाइस, मुझ पे हो गया है क्रिकेट का भूत सवार। वेट, रुको दीदी यार, आप क्या कर रही हो यार, स्मूथ इंटीग्रेशन डालो ना। देखो मैं सिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे फोन चोरी हो चुका है एंड मेरे पास अब तक बिल्कुल पैसे नहीं थे फोन खरीदने के। वो तो अच्छा हुआ कि मेरे पास ये वाला ऐप है। ऐसे करो ना इंटीग्रेशन, हाँ सिखाना पड़ता है सब। क्या गुंडा बनेगी। देखो पायल जोन इस लाइन में बिलीव करती है कि द शो मस्ट गो ऑन, चाहे वो बीमार हो, चाहे वो यूट्यूबर्स को वर्चुअली मारने के पैसे कमा कर उस पैसे से छुट्टी करने गई हो, लेकिन वो वीडियो डालने का जुगाड़ जरूर करके जाती है। माय सिस्टर गॉट अरेस्टेड बिकॉज ऑफ सौरव जोशी। हेलो फ्रेंड्स, मैं पायल की बहन हूँ और आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। आज हमारे घर सुबह पुलिस आई थी और वो पायल को लेकर के गए हैं। डर क्यों गए, पायल के वीडियोस नहीं देखे? हरकतें ऐसी है, पुलिस का आर्मी वाले लेके जाए इसको तो। इसके सर पे क्या हुआ अभी? पायल की बहन घायल। इतना ही नहीं, पायल ने हमको भी जवाब दिया एक वीडियो में। चलो पूरी वीडियो में एक बात तो सच बोली ठगेश ने कि पायल जोन किसी से नहीं डरती, और ये बात बिल्कुल सच है। डर क्या होता है ये मुझे नहीं पता, मैं बस सिर्फ उससे डरती हूँ क्योंकि एक दिन सबको वहीं जाना है। डरना भी चाहिए, आपको ऊपर जाके जवाब देना है ये सब वीडियोस जो बना रही है उसका।
शर्म करो, भगवान से डरो। मंगेश आप मेरे से एक बार प्यार से बोल देते ना, मैं अपने चैनल का आईडी पासवर्ड आपको दे देती। सिर्फ अपने मेन चैनल का नहीं, जो मेरा दूसरा चैनल है पायल जोन एक्स्ट्रा, उसका भी मैं आईडी पासवर्ड आपको दे देती। लेकिन एक बार आप प्यार से बोलते तो। आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने तो हमसे हमारा गुरूर छीन लिया। देखो अभी तो आपको मेरा इंस्टाग्राम भी पता ही होगा, आप मेरे को वहाँ पे आईडी पासवर्ड भेज सकते हो। ओके भाई, आपके लिए मैं इसका चैनल डिलीट कर दूंगा। क्या बात है सर। डोंट वरी थकेश भाई, टू द रेस्क्यू। और इसका सेकंड चैनल किधर से आया? पायल जोन एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा तो तू यही चैनल पे है। एक और चैनल लगा है और एक्स्ट्रा होने। गाइस अभी अभी काफी ज्यादा बड़ी खबर निकल करके सामने आई है इंडिया के नंबर वन ब्लॉगर के बारे में। थी उनकी कुछ लास्ट इमेजेस मेरे हाथ लगी है, जो कि मैं आपको दिखा दूंगी। आप इन फोटोज में खुद ही देख सकते हैं कि उनकी हालत कितनी खराब है। पायल जोन के फैंस को अब जाके थोड़ी शांति मिली होगी। कोई तो ढंग का वीडियो डाला, इतने दिन से सड़े हुए ब्लॉग्स डाल रही थी, फाइनली किसी को मार दिया। बहुत दिन से ट्राई कर रही थी सौरभ जोशी के नाम पे व्यूज मिले, लेकिन नहीं मिला तो सौरभ को रखने का क्या फायदा वीडियो बनाने के। मुझे ही पता है मैं क्या फील कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी सौरभ जोशी के ऊपर काफी सारी वीडियोस बना चुकी हूँ पास्ट में, एंड मुझे अभी उस चीज का बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। मतलब काफी सारी वीडियोस नहीं, पूरा करियर। देखो पर्सनली मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं अगर पायल जोन का घर चल रहा है ये सब करने से, क्योंकि सौरभ तो मर के भी उसके काम आ रहा है। पायल जोन का चैनल मर जाए फिर भी किसी का काम नहीं आएगा। बहुत ही वाहियात चैनल था। वो कहते हैं ना, भगवान उसी को अपने पास ले जाता है जो है तो बहुत अच्छा होता है, या तो लोग जिससे बहुत नफरत करते हैं। अब आपको तो पता ही है क्यों बुला लिया इसके चैनल को। मुझे जहां तक लगता है तो भाई थोड़ी अगर सिर्फ लड़कों की पार्टी होती है ना, तो थोड़ा बहुत ड्रिंक वगैरह भी कर लेते हैं लोग। अब मैं श्योर तो नहीं हूँ इस चीज के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत ड्रिंक भी उन्होंने किया होगा। हाँ पायल को सब पता है लड़कों की पार्टी में क्या होता है। क्या उधर टेबल वेबल साफ करती रहेगी तो सुन लिया रहेगा पीछे से। मतलब दोस्तों लोगों में बिल्कुल शर्म नहीं है, इनके पास कोई कोऑर्डिनेट नहीं है, तो ये कुछ भी वीडियो बना देते हैं। हाँ दीदी, मतलब ये कौन सा तरीका होता है खुद को गाली देने का? बहुत बुरा लगता है। अब ये मत सोचो कि पायल जोन का कंटेंट कभी खत्म हो जाएगा। नो, जब तक यूट्यूब वीडियोस का डाउनलोडर अवेलेबल है ना, पायल जोन के वीडियोस बनते रहेंगे। इतना ही नहीं, रिसेंटली पायल दीदी ने फुकला इंसान के खिलाफ महिला हेल्पलाइन पे कंप्लेंट डाल दी। अरे यार आपकी कंप्लेंट नहीं देखी जाएगी, आप ना वहाँ से ले जाओ, साइबर जो आपको। सो इन्होंने तो साफ साफ मना कर दिया कि ये मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकती हैं। पता नहीं भाई, मेरे को पहले महिला हेल्पलाइन वालों को हेल्प लगेगी अगर आपकी वीडियोस देख ली तो। फिर से कह रहे थे कि अगर हम आपके सारे बाल नहीं काटेंगे तो ये इन्फेक्शन और ज्यादा बढ़ जाएगा। पता है कि इसमें सौरभ जोशी की गलती है, क्योंकि सारी कहानी सौरभ जोशी से शुरू हुई है। अगर सौरभ जोशी अपनी थार से मेरे पैर का एक्सीडेंट करते ही नहीं, तो उसमें कभी कैंसर होता ही नहीं। अच्छा, पैर में थार ठोक दी तो कैंसर हो जाता है? इस हिसाब से तो आपके वीडियोस देख के कैंसर ठीक होना चाहिए। समझा। कैंसर होता ही नहीं तो मेरे बाल झड़ते ही नहीं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी एक मजेदार ऐप के बारे में। एक मिनट, क्या? कोई नहीं भाई, कैंसर की सर्जरी करने स्पॉन्सर तो लगेंगे अभी। आई लाइक हाउ स्विच कैसा है, सौरभ जोशी ने मेरे साथ ये किया। लेकिन गाइस आगे जाने से पहले मैं आपको एक ऐप के बारे में, लोगों के मरने से सिर्फ दो लोगों को फायदा हो सकता है, एक तो वो जो लोगों को जलाता है या गाड़ता है, दूसरी पायल जोन। पायल जोन बोल रही थी कि उनकी न्यू वेब सीरीज आ रही है, बताओ कौन सी होगी? कसौटी जिंदगी की 3, उसमें कोमोलिका बनेगी। हाँ, कुछ लोग मेरे को पूछते हैं कि भाई मेरे पास टैलेंट नहीं है, अभी टैलेंट के बिना यूट्यूब पे फेमस नहीं हो सकते। मैं बोलता हूँ गलत। दिखने की गलत हो तुम्हारी। पायल जोन का चैनल देख ले, रॉयल स्टाइल ने। मेरे को अभी तक नहीं समझा कि पहला इंसान कौन होगा जिसने पायल जोन को डिस्कवर किया और रोस्ट किया। मतलब ये सब कौन सर्च करता है, सौरभ जोशी नहीं रहे, कौन है ये पागल आदमी, टेक्नो गेमर्स का एक्सीडेंट हो गया, ये सब क्या शौक, क्या शौक है भाई तुमको, ये सब क्या सर्च कर रहे हो? तुम लोगों को पता है कोविड एंड पायल जोन में क्या कॉमन है? नहीं नहीं, ये नहीं कि दोनों एक ही टाइम पे आए थे, यही कि दोनों ही टॉक्सिक है और दोनों के साथ ही जीना हमें सीखना पड़ेगा। जो पायल के वीडियोस मेंटल हॉस्पिटल में चलाए जाते हैं, इसमें सौरभ जोशी की गलती है, क्योंकि सारी कहानी सौरभ जोशी से शुरू हुई है। अगर सौरभ जोशी अपनी थार से मेरे पैर का एक्सीडेंट करते ही नहीं, तो उसमें कभी कैंसर होता ही नहीं, कैंसर होता ही नहीं। पेशेंट्स को दिखाया जाता है कि ये देखो दवाई ले लो वरना ऐसे हो जाओगे। देखो अभी हम या कोई भी यूट्यूबर पायल जोन पे केस भी नहीं कर सकता, क्योंकि कोर्ट का टाइम वेस्ट करने का 10,000 फाइन है। तुमको पता है वरुण धवन एंड पायल जोन में क्या कॉमन है?
एक व्यक्ति ओवर एक्टिंग से पैसे कमा रहा है और एक व्यक्ति ओवर एक्टिंग से पैसे डुबा रहा है प्रोड्यूसर्स के। ये पायल जोन इतना झूठ बोलती इसने प्रूव कर दिया है कि सिर्फ पॉलिटिक्स ही ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर झूठ बोल के सक्सेसफुल हो सकते हैं। यूट्यूब भी है, सबके सब चोर है साले। और अभी अभी मेरे को पता चला है कि नीरज चोपड़ा इंजर हो गया है, वो कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं खेलेंगे। मैं तो बोलता हूँ उसकी जगह पे पायल जोन को भेज दो, फेंकती तो ये भी अच्छा है। अगर तुम लोगों ने शमशेरा मूवी देखी है तो वहाँ पर संजय दत्त की जगह मेरे को लग रहा है पायल जोन को लेना चाहिए था। पूछो क्यों? एक सीन है जहाँ पर कौवे आके संजय दत्त को काटते हैं, उसकी जगह पे पायल जोन को लेना चाहिए था क्योंकि झूठ बोले कौवा काटे। पायल जोन का रोज एक वीडियो आता है, मतलब ये चीज एक प्राइम एग्जाम्पल है कि कंसिस्टेंसी और डेली अपलोड करने से कोई थगेश नहीं बन जाता। रॉयल स्टाइल नहीं, रॉयल पर्सनालिटी। अगर आज टिकटॉक होता ना तो पायल जोन बहुत ज्यादा फेमस होती, फिर टिकटॉक पे क्या होता था, दूसरों का कंटेंट ही तो उठाते थे। एंड में बोलूंगा सब अपनी अपनी ऑडियंस देखने वालों को कुछ ना कुछ बोलते हैं, मैं थक से ना बोलता हूँ। पायल क्या बोलती होगी, पायल्स नहीं, जिस हिसाब से इसके वीडियोस होते ना घायल होना चाहिए इसके वीडियोस देखने वाले। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, एंड पायल जोन स्टॉप दिस, ओके, लोगों को मारना बंद करो, बाकी सब ठीक है। ये क्या है, सौरव जोशी नहीं रहे, ये नहीं रहा, वो नहीं रहा। आपको वीडियो पसंद आया लाइक करो, चैनल पे न्यू तो डू सब्सक्राइब। एंड पायल जोन पे हमने पहले भी एक दो वीडियोस बना चुके हैं, वो यहाँ पे जाके आप देख सकते हो। मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते @ महेश केशवाला, वहाँ भी मैं रील्स वील्स डाल रहा हूँ आजकल। ये वाली नहीं, देख लेना जाके। That's it, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस।